और एक में तो ये था ना कि ये सरकार के खिलाफ थे क्लियरली, चार पांच लाइन वो, तो वो जेलर भी पढ़ पढ़ के हर एक के ऊपर ये सेंसर्ड थप्पा मार मार के आते थे अपने पास। They were quite strict. और उनको पता था कि मैं आके कहते लेटर, वो तीन चार घंटे में वही पढ़ते बैठती थी। तो ये सूबेदार ने मुझे पूछा कि है चक्कर क्या है तुम्हारे लेटर का, कि मैंने जसवंती बहन वो पूछ रही थी कि हमने जेलर से पूछा, वो जेलर थोड़ा बदमाश सा पूछा कि ये क्यों आ रहे हैं इनको इतना लेटर। तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि हाँ उनका जो काम है ना देश भर में, तो वो देश भर के उनके जो सपोर्टर्स हैं या जो भी वो काम करती है उन्होंने लिखा है कि उनको रिहा करो। पहले तो पता देखते थे सब कि कहाँ कहाँ से लेटर आ रहे हैं, तो देश टू गेट पर्टिकुलरली फ्री, क्योंकि वो लेटर कभी अपने कोची से आ रहे हैं, वो एडवा वाले तो गाँव गाँव से आ रहे थे। I keep thinking when what are the things that helped you through that period. So of course there were the trees, there was that, I keep talking about ki mere matlab main zameen pe jaan lekti thi, wahan pe upar ek khidki thi teesri number pe from the right, and that one is when you could see the sunrise because that was facing east. To raat sunset ko itna nahi dikhta tha, par sunrise dikhta tha. To wahan pe subah agar 5-6 baje aap uth jao, barrack khulta tha 6 baje, to zarur wahan pe koi na koi pakshi hoga. एंड शाम में तो पीकॉक होगा ही। सम ऑफ द कन्विक्टेड यंगर कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैड मेड ब्यूटिफुल गार्डन्स वेयर देयर वाज फ्लावर्स एंड रोजेज एंड जासवंतीज। तो ज़्यादा तो लोग पूजा के लिए लेके जाते थे सुबह, कोई किसी ने पूजा कर रखा वगैरह। सम पीपल वुड जस्ट गिफ्ट ईच अदर लिटिल फ्लावर्स समटाइम्स व्हेन यू आर अलाउड टू पिक देम। राजकुमारी एंड सुकालो का पहला लेटर आया था ये वाला, प्रिय तीस्ता दीदी करके, हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा वगैरह वगैरह। दे वाज़ बीन इन जेल, वो भी जेल में रह चुके हैं 2015-16 में। ये एक पोस्ट कार्ड है अमेरिका से, ब्राज़ील से एक आया मेरे पास। आई मीन आई वाज देयर फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम ऑल्सो, फिर लंदन यूनिवर्सिटी से, मगर मुझे सबसे प्रेशियस ये लगे जो अपने गांव-गांव से पहुँचे। तो दिस वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, आई मीन इज वी वर्क टुगेदर ऑल्सो इन द पास्ट, जेरी पिंटो जो हैं एक लेखक भी हैं, ही डिड समथिंग वेरी स्मार्ट विच आई फिगर आउट मच लेटर। उन्होंने पहला पोस्ट कार्ड ये भेजा था, पिक्चर पोस्ट कार्ड रूबेंस का, और उस पर उन्होंने लिखा था, मतलब एक जयप्रकाश नारायण और गांधी जी का स्टैम्प थे उस पर, जहाँ पर लिखा था कि बोथ स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन जेल टू, ऐसे करके, and we are all thinking about you and send you the best. और वही अक्षर में देवर 16 पोस्ट कार्ड्स, जिसमें उन्होंने नाम नहीं लिखा, पर पोएम नंबर 1, पोएम नंबर 2 कर ऐसे 16 पोएम्स भेजे उन्होंने। तो ये भी एक बहुत प्यारा पोस्ट कार्ड, हमारी एक दोस्त है पद्मा जो इलाहाबाद में रहती है, इसको मैं बार बार पढ़ती थी क्योंकि इट वॉज वेरी सिंपली पुट इन हिंदी एंड इट वॉज वेरी नाइस। वे प्रिय तीस्ता, खूब ख्याल रखना अपना, मायूस पर पल भर के लिए होना, ज़्यादा देर नहीं आएंगे वो दिन जिसके लिए तुम वहाँ हो, हम साथ साथ और साथ व अलग तुमको याद करते हैं, तुम ताकत हो हमारी, आसमान चिड़िया मिट्टी फूल और वायु तुमको प्यार दे, बस पद्मा। देन आई रिमेंबर रिसीविंग अनदर वन फ्रॉम वेरी प्रेशियस पीपल सेइंग दैट ओके यू आर ऑलवेज फील्स गुड टू बी टोल्ड यू आर ब्रेव, सो दैट यू आर इंडीड अ वेरी ब्रेव पर्सन एंड स्ट्रेट पर्सन, वी हैव नोन यू फॉर over 25 years and I'm exceptionally happy to have seen you act with tenacity and intensity, and I'm sure this period in Gandhi's jail too will pass, because one of the things was that Kasturba Gandhi also was in the same jail, so all these little things kind of give you strength. But also what is very humbling is when other fellow inmates under trials, how they celebrate anybody's release. मतलब मेरे सामने कम से कम from our barrack maybe 5 people or 6 people were released in the 63 days I was there, maybe more, 6 or 7, and each time that is celebrated with great joy.
आई एम श्योर ईच पर्सन मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हेन विल इट बी मी, व्हाई इज इट नॉट मी, मगर वो कभी दिखता नहीं है. एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग दैट पर्सन रिलीज ईच टाइम. एंड देन देर इज अ लिटल सुपरस्टिशन कि जाने के टाइम में पीछे मत देखना, निकल जाओ, बस निकल जाओ. सो दिस काइंड ऑफ सुपरस्टिशन ऑल्सो प्ले ऑन पीपल्स माइंड्स कि जो भी है. एंड देर इज अनदर क्रेजी सुपरस्टिशन बिकॉज माई फ्रेंड्स डिड इट टू मी व्हेन आई लेफ्ट ऑल्सो कि जो भी जा रहा है उसके पीछे वो जेल के झाड़ू लेके वो पता नहीं क्या पूरा ये करते हैं टिल यू स्टेप आउट ऑन द स्टेप एंड हुएवर डज दैट विल बी द नेक्स्ट टू बी रिलीज्ड. सो दिस काइंड ऑफ स्टफ कीप्स हैपनिंग.